शीर्ष है ये जो इसमें साथ में यंग एक जो माफिया बनता है साथ में और कैसे कैसे वो हालात के चक्कर में फंसता है शीर्ष जी जी। अरे बस ये कि मुझे लाइफ में फर्स्ट ब्रेक सन ने ही दिया था और बहुत हिट सीरियल था और अगेन मुझे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है एक फिल्म के अंदर और आज तक सर ने जितने भी सीरियल किए हैं यानी कि पास्ट में और जो भी अभी तक सब जो भी काम किया है सब बहुत काबिले तारीफ लगा है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, सब जानते हैं, जो ऑडियंस जानती है। और मुझे इस बात का यकीन है कि सर बहुत मेहनत से हम सब लोग मिलकर इस फिल्म को बनाए, ये करेंगे मजा हम लूटेंगे, बहुत मेहनत से हम इस फिल्म को बना रहे सारे मिलकर और इस बात का पूरा यकीन है कि फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। सीरियल एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, फिल्म भी एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, दोनों में काम करने का जो तरीका हो जाता है बदल जाता है, कैसे एक्सपीरियंस रहा एक फिल्म में काम करने का? तो देखिए एक्टिंग डेफिनेटली जो टीवी के अंदर काम करते हैं जो लोग जो करते हैं एक्टर तो वही होते हैं जो कि फिल्म के एक्टर भी उसमें काम करते हैं, बस ये होता है कि कुछ चीज़ें उसके अंदर अलग हो जाती है, बाकी मेहनत वहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है, दोनों जगह पर मेहनत होती है। और एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है तो इनके साथ मुझे जहाँ तक लगता है कुछ ऐसा डिफरेंट वो नहीं होगा, हमेशा मुझे मालूम है कि जो मज़ा मुझे इनके साथ काम करके पहले आया डेफिनेटली आके जो हम करने जा रहे हैं फिल्म उसके अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। अयूब जी, आज के दौर में फिल्म और टेलीविज़न का दायरा कितना कम ना के बराबर हो गया है? आप देखेंगे कि जितने भी किरदार हैं जो फिल्म में दिखाई देते हैं वो आजकल टेलीविज़न पर भी दिखाई देते हैं। आज का टेलीविज़न का जो कैनवस है वो इतना बड़ा हो गया कि वो विश्व में फैल गया है, हमारे जो शोज़ हैं वो दुनिया के हर कोने में दिखाई देते हैं। और कमाल की बात यह है कि आप भाड़गांव चले जाएँ तो आपको वहाँ लोग पहचानने लग जाते हैं। पहले एक ज़माना होता था कि जब आप टेलीविज़न में यहाँ बॉम्बे में काम करते थे तो लोग आपको यहाँ नहीं पहचानते थे, मगर मैं टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हम जैसे कितने कलाकारों को एक अवसर दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से हम अपना हुनर दुनिया तक दिखा पाए।